સૌને મારા નમસ્કાર સત કેવલ સાહેબ હું કાજલ હિંગુ આપ સૌ વિદ્યાર્થીઓનું સત્ર ઓનલાઈન શિક્ષણ કાર્ય પદ્ધતિમાં સ્વાગત કરું છું હું કાજલ હિંગુ કક્ષા આઠ વિષય હિન્દી યુનિટ દો કચ્છ વિદ્યાર્થી મિત્રો આજ હમ દો कचकी शहर सैर के बारे में हम कुछ जानेंगे और देखेंगे। तो इसके लेखक है हरेश धोलकिया तो विद्यार्थी मित्रों पहले हमने वीडियो में पत्र एवं डायरी के बारे में मैंने आपको बताया था और समझाया था आज इकाई दो कच्छ के बारे में मैं आपको बताऊंगी पहले हम हरेश धोलकिया के बारे में देख लें तो आप सब तैयार हो ना कच्छ की सैर करने के लिए तो मेरे साथ चलो कच्छ निवासी हरेश धोलकिया अध्यापक थे कच्छ के निवासी कौन थे अध्यापक हरेश धोलकिया शिक्षक तो आपकी पहचान बन गई है पूर्व राष्ट्रपति श्री एपीजे अब्दुल कलाम के बहुचर्चित विंग्स ऑफ फायर पुस्तक का आपने गुजराती भाषा में अनुवाद अंगन पंख शीर्षक से किया है शिक्षण कार्य के आपके अनुभव संसोधनात्मक लेखन कार्य तथा पत्रकारत्व आपके लेखन के क्षेत्र है तो कच्छ मित्र में आप सुर्खा स्तंभ अंतर्गत लिखते हैं। आपका सर्जन कार्य अंगदनों पर चार टका आनंद तथा शिक्षण संबंधी गुजराती साहित्य लोकप्रिय है प्रस्तुत इकाई में आपने कच्छ का परिचय कराने का प्रयास किया है जिसमें कच्छ एवं इर्द के दर्शनीय स्थानों का परिचय कराया है इस इकाई में अपनी संस्कृति का आदर अपनी विरासत का संरक्षण प्रेम देश प्रेम आदि मूल्यों को विकसित किया गया है यहाँ आपकी रचना कच्छ यात्रा का भावानुवाद प्रस्तुत है तो विद्यार्थी मित्रों आज हम कच्छ की सैर करेंगे और देखेंगे कि कच्छ में कौन कौन से औद्योगिक कारखाने हैं कौन कौन से विशाल धार्मिक स्थल है ये सब हम आज देखते हैं तो हम अप, हमारी कच्छ की यात्रा शुरू करते हैं तो उसके पहले हम देखते हैं पाठखा सार, अनूठा रेगिस्तान यानी अनूठा रेगिस्तान कच्छ में दो रेगिस्तान हैं सबसे पहले आपको मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कच्छ में कितने रेगिस्तान है दो छोटा रेगिस्तान और बड़ा रेगिस्तान इनमें रेत नहीं पाई जाती ये आपको याद रखना है कि छोटा रेगिस्तान और बड़ा रेगिस्तान में रेत नहीं पाई जाती इसलिए अब ये अपनी तरह के अनूठे रेगिस्तान है इसका मैं अनुवाद करके आपको बताती हूँ अनोखु रण अनोखु रण कच्छ में बे रण छे नानू रण अने मोटू रण आ बने अनोखा रण छे कारण के त्या शू नथी विद्यार्थी मित्रों रेती नथी ओके और हम आगे देखते हैं सामखियाली सामखियाली ये कच्छ का प्रवेश द्वार कहा जा सकता है सामखियाली यानी इसे कच्छ का क्या कहा जा सकता है विद्यार्थी मित्रों प्रवेश द्वार वेरी गुड इसके उत्तर में रापर और धोलावीरा नगर है इसके उत्तर में कौन सा है नगर रापर और दोला वीरा। दोला वीरा में संस्कृति के अवशेष पाए जाते हैं धोलावीरा में क्या अवशेष पाए जाते हैं मोहनजो दड़ो संस्कृति के अवशेष सामखियाली आने कच्छ प्रवेश द्वार कही अने એની ઉત્તરે રાપર અને ધોળા વિરાનગર છે ધોળા વિરાણમાં મોહેંજોદડો ની સંસ્કૃતિના અવશેષો મળી આવે છે સામખીયાલી સે પશ્ચિમ કી ઓર ઓર કચ્છમે ક્યા હે સામખીયાલી કે હમ ઉત્તર દિશા મે કૌનસે નગર હે ધોળા વિરા ઓર રાપર और सामखीआली से पश्चिम की ओर कौन से नगर है ये हम देखते हैं इस दिशा में बचाव गांधीधाम आदिपुर गोपालपुरी जैसे औद्योगिक नगर है ये सब में आपको कच्छ में क्या क्या है पश्चिम में उत्तर में ये सब आपको मैं आज बताती हूँ फिर हम इकाई दो के बारे में हम जानेंगे पहले इस पार्ट में कौन कौन से हैं वो आपको मैं आपको बताती हूँ तो सामखी वाले में पश्चिम की ओर क्या क्या है बचाओ गांधीधाम आदिपुर गोलपालपुरी जैसे औद्योगिक नगर है आदिपुर में गांधी स्मृति केंद्र है और आदिपुर में क्या है गांधी स्मृति इसके पास ही कंडला बंदरगाह है और इसके पास क्या है कंडला बंदरगाह સામખીયાલી થી પશ્ચિમ તરફ કયા કયા નગરો ઔદ્યોગિક નગરો આવેલા છે ભચાઉ ગાંધીધામ આદિપુર ગોપાલપુરી જેવા ઔદ્યોગિક નગરો છે આદિપુરમાં શું છે ગાંધી સ્મૃતિનું કેન્દ્ર છે અને તેની પાસે કંડલા બંદર છે અને એની તેની પાસે શું આવેલું છે કંડલા બંદર ભદ્રેશ્વર મુદ્રા માંડવી कंडला के दक्षिण में भद्रेश्वर मुद्रा और मांडवी के दक्षिण में जैनों का प्राचीन यात्रा भद्रेश्वर है मुद्रा का विकास पर बंदरगाह के रूप में हुआ है मांडवी बहुत सुंदर बंदरगाह और प्राचीन नगर है यहाँ कई स्थान दर्शनीय है और वहां के स्थान दर्शनीय होते हैं बद्रीश्वर मुद्रा मानवी कांडला थी दक्षिण जैनों નું પ્રાચીન યાત્રા ધામ બદ્રેશ્વર માં આવેલું છે মুদ্রা નો વિકાસ એક બંદર રૂપે થયેલો છે માનવી ખૂબ જ સુંદર બંદર પ્રાચીન નગર છે માનવી सुंदर बंदर आने प्राचीन नगर छे अही अनेक दर्शनीय स्थानों આવેલા છે એટલે જોવાલાયક સ્થળો આવેલા છે નલિયા નલિયા એક શહેર છે શું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો એક શહેર નલિયા પ્રસિદ્ધ શહેર છે યહા હવઈ સેના કા કુછ અड्डा है नલિયા એક પ્રસિદ્ધ શહેર છે અહીં વાયુસેનાનો મુખ્ય મથક આવેલું છે નારાયણ સરોવર ઓર ક્યા હે દેખને લાયક સ્વાર સ્થળ નારાયણ સરોવર યહ અતિ પ્રાચીન ઓર પૌરાણિક સ્થાન હે આપકો દેખા હે નારાયણ સરોવર ઓકે કોટેશ્વર યહા કા દર્શનીય મંદિર હે કોટેશ્વર યહા કા दर्शनीय मंदिर है यह सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य बड़े आकर्षक होते हैं। नारायण सरोवर किसी ने देखा है ओके आ अति प्राचीन और पौराणिक स्थान है कोटेश्वर अने? कोटेश्वर अहनु दर्शनीय मंदिर छे। અહીંના સૂર્યોદય અને સૂર્યાસ્તના દ્રશ્યો ખૂબ જ મનોહર હોય છે નારાયણ સરોવરમાં કોટેશ્વરનું મંદિર આવેલું છે અને અહીં સૂર્યોદય અને સૂર્યાસ્તના દર્શન દ્રશ્યો ખૂબ જ મનોહર હોય છે યાની જોવાલાયક છે લખપત ઈસ પ્રાચીન સ્થળ મેં કિસી સમય ગુરુ નાનક પધારે થે लखपत में कौन पधारे थे गुरु नानक यह भूमि उनकी चरण रस से पावन हुई है और उसकी से पावन हुई है। एक गुरुद्वारा है लखपत आ अत्यंत प्राचीन स्थले एक समय गुरु नानक पधार चरण रसी पावन आ भूमि में एक गुरु द्वारा छे हाजीपुर यह स्थान मुसलमानों का श्रद्धा केंद्र है और यह हाजीपुर भी है यह स्थान मुसलमानों का श्रद्धा केंद्र है पासी नक्षत्राणा अपने प्राकृतिक दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है हाजीपुर आ स्थान मुसलमानों का श्रद्धा केंद्र છે નજીકમાં જ નખત્રાણા છે અને નજીકમાં શું આવેલું છે નખત્રાણા જે પોતાના પ્રાકૃતિક દ્રશ્યો માટે પ્રસિદ્ધ છે હવે આપણે કઈ જઈ રહ્યા ભુજ યહ કચ્છ કા મુખ્ય કેન્દ્ર હૈ આયના મહેલ પ્રાગ મહેલ ટાવર સ્વામિનારાયણ મંદિર હિલ ગાર્ડન આદિ કઈ દર્શનીય સ્થળ હૈ यहाँ का हमीरशर ताला प्रसिद्ध है कौन सा ताला प्रसिद्ध है हमीरशर आप जाओ तो ये सब आपको देखना है यहाँ विश्वविद्यालय भी है भुज आ कच्नू मुख्य केंद्र है आईना महल प्राग महल टावर स्वामीनारायण मंदिर ગાર્ડન વગેરે અનેક દર્શનીય સ્થળો છે અહીંનું હમીસ હમીરસર પ્રસિદ્ધ છે અહીં વિશ્વવિદ્યાલય પણ છે તો ભુજમાં આપણે જઈએ ત્યારે આ બધા જોવાલાયક સ્થળો જોવાના છે કાલા ડુંગર યાની કાલા પહાડ કાળો ડુંગર काला पहाड़ इस पहाड़ पर प्रतिवर्ष वर्ष रणोत्सव का आयोजन होता है आ पहाड़ पर दर वर्षे रणोत्सव नयोजन थे शु बी जैसल तोरण की समाधि अंजार में जैसल तोरण की स्मृति में बनाया गया मंदिर दर्शनीय है અંજારમાં જેસલ તોરણની સ્મૃતિમાં બનેલું મંદિર પણ જોવાલાયક છે સુરજબારી યહા કચ્છ યાત્રા કી સમાપ્તિ હોતી હૈ સુરજબારી બારી અહીંથી કચ્છ યાત્રા સમાપ્ત થાય છે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને કચ્છમાં જાઓ ત્યારે આ બધું જ તમારે જોવાલાયક સ્થળો છે

आपको ध्यान से सुनना है और समझना है और मैं शब्दार्थ लिखवा हूँ वो भी आपको लिखना है तब पुस्तक लेकर आप मेरे साथ बैठ जाइए और पेंसिल लेकर या पेन विशाल भारत में अनेक दर्शनीय प्रांत है विशाल भारत में अनेक दर्शनीय प्रांत है दर्शनीय यानी देखने लायक प्रदेश सबका अपना महत्व एवं सौंदर्य है सबका अपना महत्व एवं सौंदर्य यानी सुंदरता आप लिख लो सौंदर्य यानी सुंदरता गुजरात उनमें से एक अनूठा राज्य है गुजरात उनमें से एक अनूठा राज्य है अनूठा अनोखा। गुजरात का एक विशिष्ट जिला है कच्छ गुजरात का एक विशिष्ट जिला है कच्छ जो गुजरात का अत्यंत रमणीय प्रदेश है रमणीय यानी सुंदर प्रदेश यात्रियों के लिए कच्छ आकर्षक का केंद्र है इसका पौराणिक महत्व भी कम नहीं है पौराणिक यानी पुराणों के समय का धार्मिक अनेक दर्शनीय स्थानों के वैविध्य के कारण इसे म्यूजियम यानी संग्रहालय कर सकते हैं। वैविध्य यानी विविधता आपने लिख लिया विद्यार्थी मित्रों तो हम आगे देखते हैं कच्छ में प्रवेश करते ही हमें रेगिस्तान के दो भाग देखने को मिलते हैं कच्छ में प्रवेश करते ही हमें दो भाग देखने को मिलते हैं रेगिस्तान यानी रेतीला प्रदेश और मरुभूमि दोनों एक ही है एक छोटा रेगिस्तान और दूसरा बड़ा रेगिस्तान मैंने आपको पहले भी बताया था कि अनोखे रेगिस्तान है एक छोटा और एक बड़ा इन दोनों में रेगिस्तान जैसा कोई लक्षण नहीं दिखाई देता इन दोनों में रेगिस्तान जैसा कोई लक्षण नहीं दिखाई देता रेत कहीं नजर नहीं आती यहाँ रेत कहीं नजर नहीं आती अतः यह अनूठा रेगिस्तान है अनूठा यानी अनोखा और हम आगे दिखते हैं, आपको चित्र में भी देखना है सामखी आली को हम कच्छ का प्रवेश द्वार कर सकते हैं, प्रवेश द्वार यानी अंदर जाने का मुख्य दरवाजा लिख लिया अंदर जाने का मुख्य दरवाजा प्रवेश द्वार कच्छ की यात्रा यहीं से आरंभ होती है कच्छ की यात्रा यहीं से आरंभ होती है यहाँ से उत्तर दिशा की ओर यात्रा का प्रारंभ होता है और यहाँ से ही उत्तर दिशा की ओर यात्रा का प्रारंभ होता है रापर से धोलावीरा पहुंच से ही हमारी प्राचीन संस्कृति मोहनजोदड़ो दड़ो का स्मरण हो जाता है यह स्थान पांच हजार वर्ष के अवशेषों का अंग है इस प्राचीन नगरी के दर्शन से ही हम चकित रह जाते हैं। मोहनजोदड़ो दड़ो यानी इसका यह स्थान पांच हजार वर्ष के अवशेषों के अंग है पाँच हजार अवशेषों यानी बचे हुए टूटे फूटे हिस्से जो आपको चित्र में दिखाई दे रहे हैं आपको कच्छ में जाकर यह देखना है इस प्राचीन नगरी के दर्शन से ही हम चकित रह जाते हैं हमें प्राचीनता में आधुनिकता यानी नवीनता के दर्शन होते हैं अब हम सामखी आली के पश्चिम की यात्रा करते करते बचाव नजर आने लगता है तो हम कहाँ चलते हैं अब पश्चिम की यात्रा तो हम बचाव बचाव की नजर आने लगता है जो बड़ा गांव है बचाव कैसा नगर है बड़ा गांव है जैसे नगर वहाँ से गांधी धाम औद्योगिक कारखानों का शहर है औद्योगिक ज्ञानी उद्योग संबंधित यहाँ सिंधी प्रजा पाकिस्तान से आकर स्थायी हुई है और यहाँ सिद्धी सिंधी के प्रजा पाकिस्तान से आकर गांधी धाम में स्थायी हुई है गांधी धाम आदिपुर तथा गोपालपुरी उद्योग के कारण विकसित हुई दिखाई देते हैं। आदिपुर में गांधी मूर्ति तथा पासी कौन है कौन सा बंदर है कंडला आदिपुर में गांधी स्मृति तथा पासी कंडला बंदरगाह का बड़ा महत्व है बंदरगाह यानी समुद्री जहाजों के ठहरने का स्थान बंदरगाह किसे कहते हैं समुद्री जहाजों के ठहरने का स्थान और आदिपुर में क्या है विद्यार्थी मित्रों गांधी स्मृति ये आपको याद रखना है कंडला का विकास यहाँ की प्रजा के लिए महत्वपूर्ण है कंडला से दक्षिण की ओर हम देखते हैं कंडला की दक्षिण की ओर भद्रेश्वर अति प्राचीन जैन यात्रा धाम है तो हम अब कहाँ जाते हैं कंडला के दक्षिण की ओर तो वह किसका यात्रा धाम है भद्रेश्वर अति प्राचीन जैन यात्रा धाम है संगमरमर से बना पच्चीस सौ वर्ष पुराना जिनाल भूकंप में खंडित हुआ उसके पुनः निर्माण का कार्य जोरों से चल रहा है हमें आधुनिकता का स्पर्श मिला है और हमें किसका स्पर्श मिला है आधुनिकता का मुद्रा अब हम चलते हैं मुद्रा शहर की ओर मुद्रा शहर तहसील मुख्यालय भी है यहाँ क्या है तहसील मुख्यालय भी है यहाँ अनेक उद्योगों के कारण विकास की दिशा खुली है, के है।, है। समुद्र के किनारे बंदरगाह विकसित हुआ है यहाँ कुछ प्राचीन इमारतें हैं समुद्र के किनारे तटीय यानी किनारे की यात्रा करते हुए हम मांडवी पहुंचे तो मुद्रा से कहाँ पहुंचे मांडवी मानवी अति सुंदर बंदरगाह है बड़ा प्राचीन नगर है यह शहर राजा के महल पवन चक्की तथा समुद्र तट के कारण अधिक दर्शनीय दिखने लायक बना है तो हम मानवी तो पहुंच गए और मैं हमने राजा का महल देखा पवन चक्की देखा समुद्र तट के कारण अधिक दर्शनीय स्थल हमने देखा संस्था है ग्राम्य यानी ग्रामीण संस्था बहतर जिनाल है और जैन मंदिर कितने हैं बहतर पास ही बिदड़ा गांव और पास में कौन सा गांव आने वाला है बिदड़ा तो हम वहां चलते हैं पास ही बिदड़ा गांव में आंतर्राष्ट्रीय यानी सब राष्ट्रों से संबंधित अस्त अस्पताल है मानवी से आगे चलते डुमरा कोठीरा सुगरी और जखो महत्वपूर्ण गांव है जैनों का प्राधान्य जैनों का प्राधान्य यहाँ नजर आता है नलिया शहर तहसील का केंद्र है अब आगे कौन सा केंद्र आ रहा है नलिया यहाँ वायुसेना का मुख्य अड्डा है नलिया शहर एक तहसील का केंद्र है नलिया से एक घंटे की यात्रा नलिया से एक घंटे की यात्रा करने के बाद नारायण सरोवर अति प्राचीन पौराणिक धार्मिक स्थान आता है नलिया से एक घंटे की यात्रा करने के बाद हम कहाँ पहुँचेंगे नारायण सरोवर इस स्थान को रामायण काल का माना जाता है इस स्थान को रामायण के काल का माना जाता है वहाँ कोटेश्वर नामक दर्शनीय मंदिर है यहाँ महादेव का मंदिर भी है जहाँ से रावण गुजरा था जहाँ से रावण गुजरा था यह पूरे भारत का प्राचीन स्थान माना जाता है सूर्योदय और सूर्यास्त दर्शन यहाँ का बड़ा आकर्षक है तो आप नहीं देखा ओके तो आपको कच्छ जाना पड़ेगा ये देखने के लिए ओके अब हम चलते हैं नारायण सरोवर से आगे ही यात्रा में लखपत आता है जो अति प्राचीन स्थल है गुरु नानक की चरण रस से पावन इस भूमि पर गुरुद्वारा है लखपत में अति प्राचीन स्थल है वहाँ गुरु नानक की चरण रस से पावन इस भूमि पर गुरुद्वारा है यहाँ कहा जाता है कि गुरु नानक के चरण हुए गुरु गुरुद्वारा यानी सिखों का प्रार्थना का समुद्र दौलत के भरपूर सॉरी समृद्ध एक समय का समृद्ध शहर समृद्ध यानी धन दौलत के भरपूर आज जीर्णावस्था में होते हुए भी दर्शनीय है जीर्णावस्था यानी टूटी फूटी हालत में है तभी वो देखने लायक स्थल है यहाँ एक किला है और वहाँ एक किला है उसके बगल में पानंद्रो खनिज संपत्ति के लिए प्रसिद्ध है खनिज संपत्ति के लिए क्या प्रसिद्ध है पानंद्रो यह एक नगर का नाम है साथ ही विद्युत निर्माण का यह केंद्र है साथ ही विद्युत निर्माण का भी एक केंद्र है हम आगे देखते हैं लखपत लखपत से मध्य कच्छ की और हम बढ़ते हैं लखपत से हम कहा जाते हैं मध्य कच्छ की ओर और, और यहाँ बड्डे पर हाजीपीर मुसलमानों के लिए एक श्रद्धा का केंद्र आता है यहाँ पीर की मजार है मजार यानी दरगाह रेगिस्तान की झांकी यानी दर्शन यहाँ से होती है रेगिस्तान की जाकी यहाँ से होती है रास्ते में माता का मढ़ नामक धार्मिक स्थान है रास्ते में माता का मढ़ नामक धार्मिक एक मंदिर है जहाँ नवरात्रि के पर्व पर लोग पद यात्रा करते हुए श्रद्धा भाव से दर्शनार्थ आते हैं। हमारे माता का मठ एक धार्मिक स्थल है और वहां नवरात्रि के पर्व पर लोग चल के वहाँ दर्शन करने के लिए जाते हैं आगे क्या है नखत्राणा नखत्राणा में क्या है प्राकृतिक नजारों यानी दृश्य का केंद्र बना है रास्ते में चक्ष पुरेश्वर मंदिर जैसे मनोहारी प्राचीन स्थान है मनोहारी मुख्य केंद्र भूज आते ही उसके वैभव का परिचय होता है तो यहाँ सब कुछ देखने को मिलता है आयना महल प्राग महल टावर स्वामीनारायण मंदिर हिल गार्डन हमीरसर तालाब भुजिया पहाड़ लोक संग्रहालय विश्वविद्यालय आदि के दर्शन करके हम आनंद ले सकते हैं तो ये सब आपको वहाँ जाके ही आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ तो मैं आपको सिर्फ बोल के मैं दिखाती हूँ कि वहाँ क्या क्या है ओके okay? तो सन 2001 में ने इसे खंडित किया तो लोगों ने उसे नए स्वरूप में पुनः निर्माण करने और सुंदर शहर बना दिया 2001 में भूजाल यानी भूकंप भूकंप ने इसे खंडित किया खंडित यानी तोड़ फोड़ दिया तो लोगों ने उसे नए स्वरूप में पुनः फिर से निर्माण करने करके और सुंदर शहर आपको पता है ना भूकंप आया था ओके। तो हम देखते हैं आगे भुज से उत्तर दिशा की ओर खावड़ा में काला डूंगर है तो अब हम कहा चलते हैं भुज के उत्तर दिशा में और वो यहां क्या है खावड़ा और खावड़ा में काला डूंगर दिखाई दे रहा है इस पहाड़ पर चढ़कर रेगिस्तान की झांकी करना एक अनोखा अनुभव होता है तो आप जाओ तो इस काला डूंगर में आप जरूर देखिएगा पहाड़ पर चढ़कर रेगिस्तान की झांकी करना अनोखा अनुभव है सरकार एवं स्थानीय जनता द्वारा रणोत्सव का आयोजन होता है देश भर से लोगों यहाँ आते हैं। सफेद रेगिस्तान को देखना एक आनंददायी घटना है और उसे क्या कहते हैं सफेद रेगिस्तान उसकी रीति कैसी होती है सफेद इसीलिए उसे सफेद रेगिस्तान को देखना एक आनंददायी घटना है से अंजार भी जाया जाता है भुज से कहा जा सकते हैं? आप रेगिस्तान देखकर अंजार आगे बढ़ते ही सृजन संस्था में यहाँ की प्रजा की हस्तकला का परिचय होता है कौन सा परिचय होता है हस्तकला का जैसल तोरण की स्मृति के मंदिर बना है जो ऐतिहासिक स्थान है जैसल तोरल का नाम तो आपने सुना ही होगा है ना? तो उसका समाधि मंदिर भी बना है जो जो ऐतिहासिक स्थान है, जो देखने लायक है यहाँ से आदिपुर तथा गांधीधाम जा सकते हैं, बुज से अंजार जा सकते हैं, अंजार में जैसल तोरल की स्मृति हमें देखने को मिलेगी और यहाँ से आदिपुर और गांधीधाम भी जा सकते हैं। सूरजबारी नामक स्थान से हमारी कच्छ यात्रा पूर्ण होती है सूरजबारी नामक स्थान से इतने की कच्छ यात्रा समाप्त था जो अविस्मरणीय स्मृतियां छोड़ जाती है कहा जाता है कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा कच्छ गुजरात का गौरव है और दुनिया भर में लोगों के लिए किसी भी मौसम में दर्शनीय एवं आकर्षण का केंद्र है अनुवादक महेश भाई उपाध्याय तो विद्यार्थी मित्रों आपको मैंने बताया कच्छ के बारे में तब भी हमको ऐसा लगता है कि हम आज ही आज कच्छ देखने को चलते हैं आपको ऐसा लगा ना ओके okay. तो विद्यार्थी मित्रों आपको अपने परिवार के साथ कच्छ में देखने के लिए जाना है आपको स्कूल में भी प्रवास हो कच्छ के लिए तब भी उसमें आपको दोस्तों के साथ भी जाना है ओके okay? तो आप देखने के लिए जाएंगे ना ओके okay. तो विद्यार्थी मित्रों आपको ये मैंने आपको शब्दार्थ लिखवाए वो लिखना है और पुस्तक में है वो भी लिखना है और दो बार ये पाठ पढ़ना है फिर स्वादेय और अभ्यास लिखना है ओके तो विद्यार्थी मित्रों तब तक अस्तु सत केवल साहेब